नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है फर्स्ट एड के बारे में। बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक फायरमैन की जो जिम्मेदारी होती है, सबसे पहले लाइफ सेविंग होती है और उसके बाद प्रॉपर्टी की सेविंग। लाइफ सेफ्टी इज फर्स्ट सेफ्टी, ये फायरमैन की ड्यूटी है। तो हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स होना अनिवार्य है, चाहे हम कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, चाहे बिल्डिंग में कहीं पे भी है। अगर हम फायर सर्विस में हैं तो अभी तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है, जहां पे भी 10 से ज्यादा लोग वर्कर काम करेंगे वहां पे फर्स्ट एड होना जरूरी है। उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हमारे पास सीजर होना चाहिए, आई ग्लास होनी चाहिए और बैंडेज, बीटाडीन, ये और बाकी सब आप जान सकते हैं, देख सकते हैं पढ़ करके। इतना मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट एड होता क्या है। तो फर्स्ट एड की परिभाषा मैं बता दे रहा हूं। किसी भी घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए उसके साथ जो भी डॉक्टरी कार्रवाई की जाती है उसको फर्स्ट एड कहते हैं। दोबारा बता देता हूं, किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हुआ है उसके साथ, चाहे बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, चाहे फायर एक्सीडेंट है, कोई भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना उसके साथ हुई है, तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले या डॉक्टर के वहां पहुंचने से पहले उसकी जान बचाने के लिए जो कार्रवाई, डॉक्टरी कार्रवाई की जाती है उसको फर्स्ट एड कहते हैं। अब कुछ स्टेप ऐसे हैं जो कि फायरमैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाई हमें ये तो पता है फर्स्ट एड दिया, हमें फर्स्ट एड देना है, बट हम कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि पहला स्टेप कौन सा होना चाहिए हमारा। हम फायरमैन हैं, कहीं पे भी कॉल मिली, हम वहां पे गए, हमें पता लग गया कि वहां पे कैजुअल्टी है, कोई आदमी घायल हुआ है, तो हमारा सबसे पहले एक्शन क्या रहता है? तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हमारा एक्शन रहेगा ऑन स्पॉट पहुंच करके, जहां पे वो घटना घटी है वहां पे पहुंच करके ये पता लगाना कि यहां पे हुआ क्या है, और अगर कोई कैजुअल्टी है तो उस सबसे पहले कैजुअल्टी के पास पहुंचना है हमें, अपने आप की भी सुरक्षा देखते हुए। हो सकता है वहां पे कोई जहरीली गैस लिखी जो, हो सकता है आप वहां पे फायर के किसी भी आपका कोई भी आपके ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट फायर का हो सकता है, तो फर्स्ट प्रोटेक्शन हमें लेनी है। तो सबसे पहले वहां पहुंच करके हमें पता लगाना है यहां पे हुआ क्या है, और कैजुअल्टी है तो कहां पे है, और फिर वहां पे जा करके सबसे पहले हमें कैजुअल्टी से, अगर कैजुअल्टी होश में है तो हमें यह पूछना है कि आपको चोट कहां पे लगी है या आपके साथ क्या हुआ है। हो सकता है चोट अंदरूनी हो, तो इंपॉर्टेंट है अगर बंदा होश में है तो ये उससे पूछना है। अगर वो होश में नहीं है तो हमें रेस्क्यू करना है। सबसे पहले पहले तो हमें खुद उसके लक्षण जांचने हैं। हो सकता है कहीं से हमें दिख रहा है टूटा हुआ है, या कहीं से उसका सर में ब्लीडिंग, सर से ब्लीडिंग हो रही है, सर पे कोई चोट आई है, तो ये सब लक्षण हमें जांचने हैं उधर। फिर उसको ओपन एटमोस्फेयर में, खुले वातावरण में लेकर के आना है। वहां पे ला करके सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, चाहे हम अपने सीनियर से करवाए चाहे किसी अदर पर्सन से, हमें एम्बुलेंस को पहले कॉल करना है, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, हम ओनली फर्स्ट एडर है, हम फायर फाइटर हैं। हम खाली उसका रेस्क्यू कर सकते हैं, हल्की फुल्की ट्रीटमेंट दे सकते हैं, 100% डॉक्टरी कार्रवाई हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करना है, और
एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद फिर हमें अपनी फर्स्ट एड कार्रवाई में लग जाना है। जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती और जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता, तो सबसे पहले हमें यह जांचना है कि शरीर से कहीं पे ब्लीडिंग नहीं हो रही हो। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले आप ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे चांसेस में आदमी की डेथ तब होती है जब उसके शरीर से ज्यादा मात्रा में खून बहा बह जाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस दीजिए कि उसकी ब्लीडिंग को रोका जाए। अब उसके साथ हमें अब हमें उसे देखना है फिजिकली कि उसको हुआ क्या है, और फिर हम बाहर ला करके, वैसे तो हर जगह जो बड़ी एमएनसी कंपनियां होती है जहां पे ज्यादा हजार रहता वहां पे फर्स्ट एड अलग से होता है। फायरमैन का काम है अंदर जाओ और कैजुअल्टी को बाहर ला करके एटमोस्फेयर में, अच्छे वातावरण में आप फर्स्ट एड को हैंडओवर कर दो। लेकिन हमें फर्स्ट एड के चैप्टर भी पढ़ाए गए हैं, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि हम उसके साथ क्या उचित कार्रवाई कर रहे हैं और क्या करनी चाहिए और क्या उचित है। तो हम खुले वातावरण में ले आए, वहां पे लाने के बाद हमें उसके साथ फिजिकली आइडेंटिफाई करना है कि हुआ क्या है, और उसके हिसाब से हमें उसको ट्रीटमेंट देनी है। अगर हमें ये लगे कि इसको हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते या इसको हम ठीक नहीं कर सकते, तो उसको छूना भी नहीं है, नहीं तो उसकी हालत और भी बिगड़ सकती है। सबसे पहले कोशिश कीजिए ब्लीडिंग रोकिए, उसके बाद अगर उसको सांस की जरूरत है तो सीपीआर अप्लाई कीजिए, और जो हम और फटिया लगा करके हड्डी टूटी हुई है या पैर टूटा हुआ है तो उसको वो ट्रीटमेंट देते हैं अगर पॉसिबल है तो, या उसको जरूरत है तो वो दीजिए। अब उसके बाद क्या आता है, जैसे ही डॉक्टर आ जाता है तो वहां पे फायरमैन और फर्स्ट एडर का काम खत्म हो जाता है। जैसे ही डॉक्टर आया या एम्बुलेंस आ जाती है तो फर्स्ट एडर या फायरमैन का काम खत्म हो जाता है। लेकिन जो भी फर्स्ट एडर रहेगा, डॉक्टर जैसे ही आता है उनको बताने की कोशिश कीजिए, उनको गाइड कीजिए कि इस बंदे के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि डॉक्टर एकदम से आकर के उस पर उचित कार्रवाई ले सके। अब उसके साथ क्या हुआ है वो तो हमें ही पता है क्योंकि हमने देखा है, हम उसका आई विटनेस है। अगर नहीं भी पता है तो फिर आगे डॉक्टर अपने आप उसको चेक कर ही लेगा। उसके बाद आता है कि सबसे मेन पॉइंट क्या है कि हम फायर फाइटर हैं, ये बात बोलनी चाहिए। मैं बोलता हूं भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, हमें कभी भी किसी को मृत घोषित नहीं करना है। हम किसी को भी मृत घोषित नहीं करते और नहीं करना है, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है। सबसे पहली बात, कुछ ऐसे एक्टिविटी आदमी के साथ दुर्घटना घट जाती है कि हमें लगता है कि वो डेथ कर गया है, लेकिन वो उस पोजीशन में डॉक्टर के पास पहुंच जाता तो रिकवरी हो सकती है। तो कभी भी भूल करके भी, चाहे मैं बोलता है चाहे 100% हमें श्योर है कि बंदा डेथ कर गया, लेकिन हमें ये डिक्लेयर नहीं करना है सबसे पहली बात। और एक फायर फाइटर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है भाई, हमारे पास कॉल आई, हम गए और किसी भी कारण से हम टाइम पे उस लोकेशन पे ना पहुंच सके, वहां पे आदमी फंस गए या कोई ज्यादा इंजर्ड हो गया, तो पब्लिक उस आदमी से पहले हम लोगों को मार देगी, पब्लिक उस आदमी से पहले हम लोगों को मार देगी। तो कभी भी किसी भी हालात में किसी भी कैजुअल्टी को मृत घोषित नहीं करना है, हमें डिक्लेयर करना ही नहीं है, ये काम डॉक्टर का है। तो जितना मैंने आप लोगों को बताया, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये फायरमैन के लिए
और फायर सर्विस में काम करने वाले सभी लोगों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आप लोगों के सामने नई वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें बताऊँगा कि CPR कैसे देते हैं और CPR की कितनी टेक्निक्स होती हैं, उसके बारे में बताऊँगा। जब तक जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल से। धन्यवाद। जय हिंद।